गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल रिवाइज यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे कब और कहाँ, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विथ डेट्स, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे, देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल्स वर फाउट, कब किस राजा को ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज साइनोनिमस with dates, you may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ, क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस that occur over time, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। It is about finding out how things were in the past and how things have changed as soon as we compare the past with the present, we refer to time, we talk of before and after. इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थीं, उनमें क्या बदलाव आए हैं, और जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट, हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर करियस
एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट ए रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफी. कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई इतिहास ऐतिहासिक होते हैं. जैसे किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा. लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज. रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ. रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे. रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. सुबह सुबह अखबार पढ़ने पर आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी. ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर्स बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रेसिसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और ए मंथ. ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं. समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process a period of time. कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है. पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम. भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था. इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था. देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस. सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनमी एंड सोसाइटी.
इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती और इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर ए स्टेच ऑफ टाइम, वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं और ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं और इस जुड़ाव की एक वजह है, दिस एसोसिएशन हैज ए रीजन। कारण क्या है? देयर वॉज ए टाइम वेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर ए किंग वॉज क्राउंड द ईयर ही मैरिड द ईयर ही हैड ए चाइल्ड। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मरा। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीड टू द थ्रोन फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व तो बना रहता है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लेवलीहुड,
व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट हाउ सिट इज डेवलप्ड एंड मार्केट्स कम अप हाउ किंगडम वर फॉर्म एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज। इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। विच डेट्स, कौन सी तारीखें, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। हम जो तारीख चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाती क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ वी बिगन टू लुक एट न्यू इश्यूज, ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। कंसीडर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। इन द हिस्टोरीज रिटन बाई ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पॉर्टेंट। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। दीज हिस्टरीज बिगन विथ द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरन हास्टिंग्स, एंड एंडेड विथ द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर हेस्टिंग्स। जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के से शुरू होते थे और अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलजी वेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस क्लिंटन, रिपन, कर्जन, हाइडिंग इरविन के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग इट वॉज द
सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वॉइसराय। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनालिटीज, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिटिक्स, अचीवमेंट। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लिप्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट द क्रॉनिकली द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लिप्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। और यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत में इतिहास से अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे? क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? वेन द राइट हिस्ट्री और ए स्टोरी वी डिवाइड इट इंटू चैप्टर्स। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। व्हाई डू वी डू दिस? हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम चांस। इट इज टू टेल ए स्टोरी इन ए वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। इन द हिस्टोरीज दैट रिवॉल्व अराउंड द Life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. यानी इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो इस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं, जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है।
उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। थैंक यू।